जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों के सामने मैं डीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, वेलकम टू नर्सिंग काउंसलिंग होम। गाइस, जैसा कि आज पीएनएसटी की प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट की ऑफिशियल मेरिट लिस्ट आने वाली थी, जैसा कि सभी कैंडिडेट ने 30 तारीख तक काउंसलिंग की प्रोसेस पूरी कर चुकी थी और आज आपकी 1 जुलाई को मेरिट लिस्ट आने वाली थी, तो वो आ चुकी है। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में क्वेश्चन है कि ये जो मेरिट लिस्ट आई है इसमें कौन कौन से कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए और कौन कौन से नहीं। तो बहुत अच्छा और शानदार यहाँ पे आप लोगों को बात बताने वाला हूँ। वीडियो में अंतिम तक बने रहे, आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे किस किस का सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं। टोटल आप लोगों के जो 39,000, लगभग 39,000 स्टूडेंट थे और 810 सीटें थी। कितनी? 810 सीटें थी। उनमें से 39,000 में से कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे काउंसलिंग करवाया और कितने कैंडिडेट को यहाँ पे एडमिशन के लिए बुलाया है, ये सभी बातें यहाँ पे हम लोग जानेंगे। ओके, और जैसा भी गवर्नमेंट काउंसलिंग की बात करें तो उसका तो अभी सस्पेंस बना हुआ है कि काउंसलिंग कब होगी और होगी या नहीं होगी। हम यहाँ पे आपका जो पीएनएचटी का डिपार्टमेंट है उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट की काउंसलिंग कब करवाओगे और कब करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो, ये सभी ऑफिशियल बात होगी जब आप लोगों के लिए गवर्नमेंट काउंसलिंग के बारे में एक ऑफिशियल वीडियो बनाया जाएगा। अभी हम लोग बढ़ते आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट आ चुकी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके गाइस, तो डियर स्टूडेंट, अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो और अपडेट मिलते रहे। चलिए, हमने आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड कर चुका है, यहाँ पे मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो रही है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों की मेरिट लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। ओके, देखिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स 2020, डेट 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को आप लोगों की ये डेट, आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों का रोल नंबर दिया है, यहाँ पे रैंक दी है और कैंडिडेट नेम दिया है, फादर नेम, एमपी डोमेसियल। ओके, एलिजिबल कैटेगरी, और यहाँ पे टोटल जो मार्क्स थे 150, उनमें से कितने मार्क्स यानी आप लोगों के हैं वो मार्क्स दिए हैं। ओके, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि लगभग कितने कैंडिडेट यहाँ पे आप लोगों के मेरिट लिस्ट में शामिल है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कितने कैंडिडेट यहाँ पे शामिल है। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं टोटल कैंडिडेट, उन्होंने मेरिट लिस्ट में कितने कैंडिडेट यहाँ पे बुलाया है और इतने कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में क्यों शामिल किया है। ओके, 810 सीटें हैं आप लोगों की ऑटोनोमस कॉलेज की और यहाँ पे टोटल कितने कैंडिडेट बुलाया है देखते हैं हम लोग, नीचे बढ़ते हैं। ओके चलिए, काफ़ी लंबी यहाँ पे लिस्ट लग रही है आप लोगों की, यानी बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे इन्होंने आमंत्रित किया है। ओके चलिए, हम बढ़ रहे हैं आगे। ओके चलिए, ये आप लोगों का अंतिम था, यानी टोटल 91 पेज है और आप लोगों के कितने कैंडिडेट, टोटल 6,603 कैंडिडेट। आप लोगों के मन में क्वेश्चन जरूर अवश्य उठ रहा होगा कि सर 810 सीटें हैं मात्र और 6,603 यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया है, यानी देखो यहाँ पे आप लोगों का जो कट ऑफ है वो काफी कम लेवल तक जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जैसे कि ये एसटी कैंडिडेट के मार्क्स है, फीमेल के 11.94 मार्क्स, एक के है एसटी के 5.73 मार्क्स। ओके, यानी बहुत ही लो लेवल की कट ऑफ यहाँ पे जा रही है। ओके, ओबीसी की बात कर ले, यहाँ पे 26 है। ओके, यहाँ पे किसी के 20 है, किसी के 19 है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे जनरल वालों की और एससी वालों के लिए, तो देखिए इनके भी काफ़ी कम है, वैसे तो 26-19 ऐसे ही मार्क्स है। ओके, बात करते हैं जनरल वाले कैंडिडेट के, तो इसके इनके जो मार्क्स है यहाँ पे 29 है, 29 है, यानी कट ऑफ आप लोगों की जो है वो काफ़ी कम जा रही है। ओके, 29,
26, 20 और 19 से लेके बहुत नीचे तक कट ऑफ जा रही है। ओके, यानी यहाँ पे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट भी जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे बात करेंगे जो कैंडिडेट, यानी 6603 कैंडिडेट यहाँ पे टोटल है, इनमें से कितने कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन लेंगे। तो देखिए बहुत सारे जो कैंडिडेट है यहाँ पे जो जिनके हाई मार्क्स है, ओके, जिनके हाई मार्क्स है वो तो यहाँ पे एडमिशन नहीं करवाने वाले हैं, वो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का वेट करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या कम मार्क्स वाले ऑटोनॉमस कॉलेज में एडमिशन लेंगे? तो देखिए मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे जो है अधिकतम मार्क्स वाले कैंडिडेट है वो यहाँ पे अपना जो गवर्नमेंट कॉलेज पाने के चक्कर में यहाँ पे जो है वो एडमिशन नहीं लेंगे, और यहाँ पे जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बनता है कि वो ऑटोनॉमस कॉलेज में एडमिशन ज़रूर करवा ले। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आप लोगों का जो है 500 मात्र 540 सीटें हैं, और यहाँ पे कम मार्क्स वालों को तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए हो सके तो जितने भी कम मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं वो ऑटोनॉमस में अपना एडमिशन ले सकते हैं। देखिए ऑटोनॉमस कॉलेज कोई ख़राब कॉलेज नहीं है, यहाँ पे बढ़िया सुविधाएं अवेलेबल होती है जो गवर्नमेंट में होती है। ओके, आप लोगों को जो फीस लग रही है वो भी फीस किस रूप में प्राप्त हो रही है, आप लोगों को छात्रवृत्ति के रूप में वापस हो जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है एडमिशन करवाने, निसंकोच आप करवा सकते हो। ओके, जो आप लोगों के 28,000 या 35 सालाना खर्च आ रहा है वो भी तो यहाँ पे आप लोगों को 3,500 रुपया मंथली मिलके यहाँ पे रिटर्न हो जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप श्योर हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में हमें जो है एडमिशन मिल सकता है इतने मार्क्स में, तो आप बिल्कुल रुक सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। लेकिन बाकी उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिनके बहुत ही कम मार्क्स है, जैसे 29 वाले हो गए, ओके, जैसे 50 मार्क्स वाले हो गए, ओके, 55 मार्क्स वाले हो गए, या 60 मार्क्स वाले, ओके। तो देखिए अब कौन, जरूर यहाँ पे कमेंट्स मैंने देखा था आप लोगों की कि सर कौन कौन कैंडिडेट के यहाँ पे एडमिशन होंगे। तो गाइस यहाँ पे बात बता दूँ मैं श्योरली कि ये जो पूरे 6603 स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट इन्होंने बनाया है, इनमें से पूरे के पूरे 6603 कैंडिडेट तो एडमिशन के लिए नहीं जा पाएंगे, किसी ना किसी कारणवश वो पूरे स्टूडेंट नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए इन्होंने इतनी बड़ी लिस्ट यहाँ पे घोषित की है, इतनी बड़ी लिस्ट बनाई है ताकि हम उनकी जो सीटें हैं पूरी वो एक ही बार में यहाँ पे पूरी हो जाए। ओके, बार बार यहाँ पे मेरिट लिस्ट ना निकालना पड़े और दोबारा काउंसलिंग भी ना करवाना पड़े, इसलिए इन्होंने इतने कैंडिडेट बुलाए हैं। ओके, ये जो 6603 कैंडिडेट है, ओके, इनमें से यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ जितने कैंडिडेट वहाँ जाएंगे उनका एडमिशन होगा। ओके, और फिर भी हम लोग एक अच्छी कट ऑफ बनाने की कोशिश करेंगे कि कितने नंबर वाले कैंडिडेट यहाँ पे आप लोगों की जो है एडमिशन ले सकते हैं। और कोई ऑफिशियल अगर आप लोगों के सामने अपडेट आती है तो वो तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। ओके गाइस, और हाँ, आप लोगों का जो लिंक है वो दे रखा है, आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कट ऑफ आप लोगों का क्या कितना लो जाने वाला है यहाँ पे, क्योंकि जो हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, देखिए यहाँ पे जैसे 109 मार्क्स वाले SC जो कैंडिडेट है फीमेल, ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वेट करेंगे। जैसे 108 नंबर, 107 नंबर, 105 नंबर, और भी हाई मार्क्स है, 99 है, ओके, यहाँ पे 92 है, ऐसे कैंडिडेट जो है हमारे, देखिए यहाँ पे हमारे जो हाईएस्ट है 80 नंबर, 78 नंबर, 70, 77 नंबर, ओके, 74 नंबर, 73 नंबर, 72 नंबर, 70 नंबर, 69 नंबर, देखिए ये 68, 69 नंबर। तो इस प्रकार जो है 60 के ऊपर वाले कैंडिडेट जो है अक्सर यहाँ पे बता दूँ वो गवर्नमेंट कॉलेज का वेट करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग प्रोसेस या जो भी एडमिशन प्रोसेस है उसका वेट करेंगे। ओके, क्योंकि वो तो यहाँ पे श्योर है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी 60 नंबर से नीचे वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो ऑटोनोमस कॉलेज में एडमिशन करवा ले। ओके गाइस, और हाँ, तो हम लोग एक
अच्छी कट ऑफ यहाँ पे बना के लाएंगे। और यहाँ पे जो आप लोगों की प्रोसेस है कि अब ये जो मेरिट लिस्ट है इसमें किस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने बुलाने की कोशिश किया है, वो अगले वीडियो में आप लोगों को समझा दिया जाएगा अच्छे तरीके से। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू गाइस, पुनः स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चैनल स्टूडेंट वार में।